देवे सल्ला करे बचड़े जीवे सल्ला राजी थीवे अल्लाह बाहर परेशानी तो बचावे सल्ला मुश्किल अल्लाह रहम रे मैडम बच्चे जीवे तारे बच्चे जीवे सुभान अल्लाह भाई अच्छा बहु खुश आए बहु राजी आए आज इतने खुश है इतने जो कोई हद का नहीं रोटियां दी परवाह का नहीं वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह अल्लाह देवे सर बच्चे जीव ने अल्लाह भावे अल्लाह जिंदगी रखने अल्लाह तो जिंदगी रखे अल्लाह तो बच्चन हयाती रखे अल्लाह राजी हो जिंदगी रखे तो पहली मेरे बच्चा अल्लाह बहु बहु देवे अल्लाह उन्हें जिंदगी रखे अल्लाह बादशाह रखे बच्चों सुख तो सेहत दे जिन्हें सारे ने मदद की थी जिथा पैर तो खैर उन्हें बाजी मेहरबानी तारी तुस अपनी अल्लाह तो पुत्र दे अल्लाह तारी बच्चे कैसे हो भला मुझसे बया शान मोहम्मद जब जात खुदा भी है सना खान मोहम्मद सना खान मोहम्मद कैसे हो भला मुझसे बया शान मोहम्मद जब जात खुदा भी है सना खान मोहम्मद सना खान मोहम्मद कुरान भी अखलाक पैगंबर का अमी है कुरान भी अखलाक पैगंबर का अमी है अल्हम्द तवन्नास है पहचान मोहम्मद अल्हम्द तवन्नास है पहचान मोहम्मद पहचान मोहम्मद कैसे हो भला मुझसे बया शान मोहम्मद जब जात खुदा भी है सना खान मोहम्मद सना खान मोहम्मद कैसे हो भला मुझसे बया शान मोहम्मद जब जात खुदा भी है सना खान मोहम्मद सना की सनद देती है भरपूर गवाही यूहा की सनद देती है भरपूर गवाही फरमान खुदावंद है फरमान मोहम्मद फरमान खुदावंद है फरमान मोहम्मद फरमान मोहम्मद कैसे हो भला मुझसे बया शान मोहम्मद जब जात खुदा भी है सना खान मोहम्मद सना खान मोहम्मद कैसे हो भला मुझसे बया शान मोहम्मद जब जात खुदा भी है सना खान मोहम्मद सना खान मोहम्मद उंगली के इशारे से हुआ चांद भी टुकड़े उंगली के इशारे से हुआ चांद भी टुकड़े हर कोई जहां भर में है कुर्बान मोहम्मद हर कोई जहां भर में है कुर्बान मोहम्मद कुर्बान मोहम्मद कैसे हो भला मुझसे बया शान मोहम्मद जब जात खुदा भी है सना खान मोहम्मद सना खान मोहम्मद कैसे हो भला मुझसे बया शान मोहम्मद जब जात खुदा भी है सना खान मोहम्मद सना खान मोहम्मद फिरदौस के बागात कदी दार जो चाहो फिरदौस के बागात का दीदार जो चाहो तैबा में चलो देख
देखो गुलिस्तान मोहम्मद, तैबा में चलो देखो गुलिस्तान मोहम्मद, गुलिस्तान मोहम्मद। कैसे हो भला मुझसे बयां शान मोहम्मद, जब जात खुदा भी है सलाफान मोहम्मद, सलाफान मोहम्मद। कैसे हो भला मुझसे बयां शान मोहम्मद, जब जात खुदा भी है सलाफान मोहम्मद, सलाफान मोहम्मद। दुनिया के सभी दर्द किनारे पे लगेंगे, दुनिया के सभी दर्द किनारे पे लगेंगे, दुनिया के सभी दर्द किनारे पे लगेंगे, एक बार जो हम देख ले मुस्कान मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी जो असाइनमेंट थी उसको हमने अल्लाह के करम और फजल से इसको कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। हमारी ये असाइनमेंट थी कि कुछ अर्सा पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी बारिशें आई हैं, फ्लड आया है, उससे बहुत सारी फैमिलीज इफ़ेक्टेड थी, और बिलखसूस ये ख़ानदान जो आपके सामने इधर दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं और जहां पर ये टेंट लगाए गए हैं, ये हमने टेंट अभी आज रिसेंटली इसको फिनिश किया, और इनके लिए जो फंड्स हमारे पास पहुँचे वो ऑस्ट्रेलिया से मुग़ल फैमिली से आए, और इंग्लैंड से हमारी सिस्टर नसरीन अख्तर साहिबा, मज़र महमूद साहिब की फैमिली ने हमारे पास भेजे, और 20,000 का एक जो टेंट है हमने इसको मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसको वाटरप्रूफ टेंट हैं, खुले टेंट हैं, 16x16 का इनका साइज़ है, जिसमें एक फैमिली आसानी के साथ रह सकती है। तो नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो बेचारे बारिशों में, इनकी ना कुछ छतें हैं ना घर हैं, और जैसे कि आगे इसी मंथ में नेक्स्ट कमिंग जो दिसंबर है इसमें मूनसून बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो ये लोग बारिशों की वजह से इफ़ेक्टेड होते थे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो सर्दी की वजह से ऐसे ठठरते रहते थे, और बहुत सारे बच्चे सर्दी की वजह से बीमार हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो उनको सेव करने के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ डोनर्स ने ये जो हमारे पास फंड्स भेजे, अल्लाह के करम और फजल से उन फंड्स का सही इस्तेमाल करके हमने आज 20 फैमिलीज़ को 20 ख़ानदानों तक ये टेंट पहुँचाए हैं, और पहुँचाने का मकसद ये है कि इनके हैंड ओवर कर दिए हैं। पहले हमने इनके प्रॉपर सर्वे किया, इन लोगों को टोकन इशू किए, और इसके बाद हर एक उस फैमिली को जो नीडी फैमिली थी, जिनके पास घर नहीं थे, होमलेस थे, तो इनको टेंट मुहैया किए गए हैं। तो अब ये इन्हीं की प्रॉपर्टी हैं, इसी टेंट के अंदर ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कई साल इंशाल्लाह ये चलने वाली चीज़ है। अच्छी क्वालिटी के ये टेंट लिए गए हैं और ये वाटर प्रूफ हैं, इसमें बारिश का पानी नहीं आएगा, और गर्मी से भी इनको बचाने में मददगार साबित होंगे। तो जैसे कि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में इन बच्चों को शेल्टर की ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन फैमिलीज़ तक अल्लाह के करम और फजल से ये टेंट पहुंचा दिए गए हैं, और आपकी अमानत सही मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, स्पेशली अपने मुअज़्ज़ज़ डोनर्स का, मैं मज़र महमूद साहब की फैमिली का शुक्रगुजार हूं, और मुग़ल फैमिली जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, मैं आपका भी मशकूर हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपको बहुत रिवार्ड अता करे कि आप लोगों ने अपने हक हलाल की कमाई से हमें फ़ंड्स भेजे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र और फजल से कि हम लोग खुद एक्साइटेड हैं कि आपकी जो हक हलाल की कमाई थी, जो अमानत थी, वो सही मुस्तहिक फैमिलीज़ तक हमने पहुंचा दी है। अब इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला इनके नसीब में करे और ये लोग इसको इस्तेमाल करें, और जो इनकी बेसिक नीड थी उसको पूरा किया गया। तो जैसे कि महंगाई है, हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे कि इनके लिए घर की कंस्ट्रक्शन कर सकें, लेकिन इमीडिएटली इनको हालात जिस तरह हैं बारिशों से महफूज करने के लिए, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि ये लोग सेफ हो जाएँ। तो अल्लाह तबारक व ताला आप सबको बहुत बहुत इंशाल्लाह रिवार्ड अता करेंगे कि आप लोगों ने जो इनके लिए फ़ंड्स का इंतज़ाम किया और इन तक ये आपकी अमानतें पहुंची हैं। तो इंशाल्लाह ये लोग भी अभी सब इकट्ठे होकर इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी इन कोशिशों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। तो हम सब जानते हैं कि आपकी और हम सब की इंटेंशन जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक को राज़ी करने की है। ये वो लोग हैं जो मुस्तहक फैमिलीज़ हैं, आप लोगों के कोई रिश्तेदार नहीं लगते, लेकिन आप लोगों के दिलों में ये बात आई कि अपने इन बहन भाइयों का, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को
सर्दी से महफूज किया जाए, बारिशों से महफूज किया जाए और इनको शेल्टर मुहैया किया जाए। तो इस जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 टेंट इनको मुहैया कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह अगर मज़ीद कुछ फैमिलीज हुई जिनको इस तरह के शेल्टर की ज़रूरत हुई तो हम इंशाल्लाह उनके भी साथ हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला आप सबको ढेरों अजर व सवाब अता करे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा तो मेरी बहनों, मैं आपसे, पूरी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने आपके लिए इंतज़ाम किया है ये शेल्टर का, मुझे पता है आप सबको इसकी ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी इसकी कि नहीं थी? आप लोग, पहले हमने देखा है आप लोग इस तरह की हट्स में, झोपड़ियों में, जहाँ पानी भी ऊपर से जब बारिश आती थी, सर्दी आती थी, तो सारा पानी नीचे टपकता रहता था। हमने आपकी तकलीफ को देखा और समझा भी कि आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, तो ये बेचारे इन बारिशों में पता नहीं कैसे वक्त गुजारते थे। तो बहरहाल हमारा इनके देने का मकसद ये है कि आप इन नेमतों की कदर करें, इन चीजों का ख्याल करें। ये ना हो कि आपने फिर इधर उधर कर देनी, इसको जाया कर देना। मैं आपसे वादा ले रहा हूँ कि ये चीजें हमने किसी की अमानत आपके हवाले की है, तो लिहाजा आप इसकी कदर करें। ये बारिश से बचने वाले हैं, बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा, ऊपर से शीट चढ़ी हुई है और ये खुला कैंप है, हर तरफ से कवर है। इसमें आप अपनी चारपाइयां बिछाएं, नीचे कुछ मैट्रेस बिछाएं, वो जैसे ही आपका तरीका है। जो हमारे पास किसी की अमानत थी हमने आपको दी है। और मेरी उन बहनों के लिए जरूर दुआ कीजिएगा कि जिन्होंने इसका इंतजाम किया, और उनका ये कहना है, उनका ये मैसेज है, पैगाम है कि अल्लाह के लिए आप सब, हम सब, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, तो अल्लाह ताला का शुक्राना भी अदा करते हैं और अल्लाह ताला से मांगना है कि या अल्लाह हमें अपनी जनाब से अदा कर दे। तो जो मैं कह रहा था कि आप लोग, उन्हें क्या करना है कि अल्लाह का शुक्राना अदा करना है। अल्लाह का शुक्राना कैसे अदा करते हैं? नमाज के जरिए, नमाज के जरिए आप सब नमाज कायम करें। और दूसरी बात, चाहे जितनी भी गुर्बत है, अपनी जगह को आसपास साफ रखें, सफाई का ख्याल रखें। तो लिहाजा हम आपके साथ हैं। जैसे अब सर्दी आने वाली है, अगर आपकी फैमिलीज को रज़ाइयों की जरूरत होगी किसी भी चीज की, जो हम कर सकेंगे इंशाअल्लाह हम करेंगे आप लोगों के। जैसे अभी हमने नाम लिखे थे, टोकन इशू किए थे, इसी तरह आगे भी इंशाअल्लाह तरतीब के साथ, जैसे ये आप लोगों को आज एक एक टेंट इशू हुआ है, आगे भी इसी तरह करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये आपकी जो अमानत थी हमने पहुंचा दी, ये आपके जिम्मे है, आपने इसका ख्याल रखा। अभी इंशाअल्लाह हम सब दुआ करेंगे, ठीक है? कैसे हो भला मुझसे बयां शान मुहम्मद, जब जात खुदा भी है सना खान मुहम्मद, सना खान मुहम्मद। कैसे हो भला मुझसे बयां शान मुहम्मद, जब जात खुदा भी है सना खान मुहम्मद, सना खान मुहम्मद। कुरान भी अखलाक पैगंबर का अमी है, कुरान भी अखलाक पैगंबर का अमी है। अल्हम्द तवन्नास है पहचान मोहम्मद, अल्हम्द तवन्नास है पहचान मोहम्मद, पहचान मोहम्मद। कैसे हो भला मुझसे बयां शान मोहम्मद, जब जात खुदा भी है सना खान मोहम्मद, सना खान मोहम्मद। कैसे हो भला मुझसे बयां शान मोहम्मद।